समिति अभी तक कई कार्यक्रम करवा चुकी है, जिसमें कि मुख्य रूप से कृष्ण उत्सव का कार्यक्रम हम लोगों ने करवाया था, जिसमें कि भारतीय फोक आर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए उसके कलाकारों को इसमें हम लोगों ने प्रस्तुत किया था और फोक आर्ट्स के आर्टिस्ट ने अपनी परफॉर्मेंस दी थी इसमें, और उससे हम लोगों ने कथक और भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को जोड़ते हुए इस कार्यक्रम को हम लोगों ने प्रस्तुत किया था, जिसको कि काफ़ी सराहा गया था। इसके बाद यमुना महोत्सव हम लोगों ने किया था। यमुना महोत्सव में हम लोगों ने यमुना जी जो हमारी मैली हो गई हैं, गंदी हो गई हैं, तो जब यमुना जी का अवतरण हुआ था उस समय वो कैसी थी, कितनी स्वच्छ थी, कितनी निर्मल थी, तो कथक के माध्यम से हम लोगों ने इसमें यह दिखाने की कोशिश की है कि यमुना जी कह रही हैं कि हम जब इस पृथ्वी पर आए थे तो हमने आपको क्या क्या दिया, हमने आपको किस तरह से सुख समृद्धि दी, लेकिन उसके बदले में आपने हमें क्या दिया। तो इस चीज़ को दर्शाते हुए यमुना जी की पीड़ा को हम लोगों ने कथक के माध्यम से इसमें प्रस्तुत करके यमुना महोत्सव का कार्यक्रम किया। इसी तरह कवि सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के प्रसिद्ध कवियों को बुलाकर उनका काव्य पाठ करवाया गया। इंद्रधनुष कार्यक्रम हम लोगों ने किया, जिसमें भी भारतीय कलाकारों को उनकी कला को प्रस्तुत करने का मौका दिया गया, उन्होंने अपनी कला को प्रस्तुत किया, साथ ही बच्चों को भी उसमें अपनी प्रस्तुति का मौका दिया गया, उन्होंने भी अपनी प्रस्तुति से दर्शकों को आकर्षित किया और उनका मन मोहा। चंदा चमके चम चम चीखे चौकंदा चोर चीते चाटे चीने चटोरे चीने घोर।